मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूँ। दरोगा भर्ती के लिए अभी तक नहीं मिल पा रही है परीक्षा एजेंसी कि कौन परीक्षा कराएगा कौन परीक्षा नहीं कराएगा, अभी तो यही तय नहीं है। अगर ये बात तय नहीं है इसका मतलब आपका इंतजार थोड़ा सा और बढ़ सकता है दरोगा भर्ती के लिए। देखते हैं पूरी अपडेट क्या है। भाई देखें क्या है, सबसे पहले आप देख सकते हैं दरोगा भर्ती के लिए तय नहीं हो पा रही परीक्षा एजेंसी, क्या खबर है। लखनऊ से छपी ये खबर है। नागरिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर, पीएससी में प्लाटून कमांडर और अग्निशमन विभाग में अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। देखिए तीनों ही एसआई हैं अपनी अपनी जगह, मतलब जो सिविल पुलिस होती है उसमें ये सब इंस्पेक्टर कहलाते हैं, पीएससी में प्लाटून कमांडर और अग्निशमन विभाग में ये अग्निशमन द्वितीय अधिकारी कहलाते हैं। के 6130 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा एजेंसी का चयन नहीं हो पा रहा, मतलब अभी तक परीक्षा एजेंसी का चयन नहीं हो पाया है। टेंडर की शर्तें पूरी न हो पाने के कारण प्रक्रिया बार बार आगे बढ़ानी पड़ रही है, जैसा आपको बार बार खबर भी मिल रही है। वहीं पीछे भी हम अपडेट देते रहे हैं इस बारे में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एक बार फिर से टेंडर की तिथि को बढ़ाकर 23 सितंबर कर दिया है। अब जो टेंडर हैं वो 23 सितंबर तक कंपनियाँ भर सकती हैं। क्या है आगे देखते हैं भाई। सीधी भर्ती 2019 की इस प्रक्रिया, देखिए भर्ती है 2019 की और ख़त्म होने जा रहा है 2020। ये यूपी है भैया, यहाँ का हाल यही है। प्रक्रिया में कुल पदों में से 5623 पद सब इंस्पेक्टर, 484 पद प्लाटून कमांडर पीएससी और 23 पद अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के हैं। बोर्ड ने परीक्षा एजेंसी के चयन के लिए पहले 23 अगस्त तक का टेंडर आमंत्रित किया था, मतलब 23 तारीख रखी गई थी टेंडर की लास्ट डेट। लेकिन क्या हुआ भाई, फिर इसकी तिथि को 28 अगस्त तक बढ़ा दिया गया। 1 सितंबर को जब टेंडर खोला गया, मतलब ये देखा गया जो 28 अगस्त रखी गई थी, 28 अगस्त तक जो भी आवेदन आने थे एजेंसियों के वो आ चुके। उसके बाद जब 1 सितंबर को बॉक्स खोला गया तो आया क्या, दो ही टेंडर पड़े थे, दो ही एजेंसी पड़ी थी। इस कारण बोर्ड को दोबारा टेंडर आमंत्रित करना पड़ा, ठीक है जी। और अगली तिथि इन्होंने कर दी 15 सितंबर। लेकिन हुआ क्या, जब दो दिन बाद में फिर से बॉक्स को खोला गया तो दो दिन बाद 17 सितंबर को फिर से टेंडर को खोला गया तो दो ही फर्मों के प्रस्ताव आए थे, मतलब जो पहले दो थे वही दो अगले थे, ठीक है। क्योंकि देखिए इनका भर्ती का ये भी तो नहीं पता, कोई भी एजेंसी भी टेंडर लेगी वो इस हिसाब से तो लेगी भाई मुझे इतने टाइम में इतना काम कर देना है। लेकिन यहाँ की तो भर्ती का ये नहीं पता कि 5 साल चलेगी या 10 साल चलेगी, वैकेंसी ये सरकार निकालेगी और ये सरकार बदल जाएगी तो फिर दूसरी सरकार आएगी तो वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी ये भी निश्चित नहीं होता भैया। यूपी का बेड़ा गर्क हो रहा है इस तरह बोर्ड को एक बार फिर से टेंडर की तिथि को आगे बढ़ाना पड़ा। जानकारी के अनुसार बोर्ड के अपर सचिव एवं आईजी विजय भूषण की तरफ से अब अगली तिथि 23 सितंबर तय की गई है और बोर्ड की टेंडर ओपनिंग कमेटी अब 24 सितंबर को इसे फिर से खोलेगी और उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। मतलब अभी ये निश्चित नहीं है कि 24 सितंबर को अगर टेंडर के लिए दो ही एजेंसियाँ रह जाती हैं तो क्या ये आगे को तारीख बढ़ाएंगे या उन दो में से किसी एक को दे दें। देखिए अगर काम कराना है तो काम कराने के लिए दो हो गया, एक एजेंसी बहुत है, देना तो इन्हें एक एजेंसी को ही है। जब एक एजेंसी को देना है तो अगर काम कराना है तेजी से लानी है तो फिर उन्हीं में से दे सकते हैं, लेकिन इन्हें टाइम किस तरह से काटना है ये तो ये जो है जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार है खूब अच्छी तरह जानती है। आपको अभी टेंडर के नाम पर टाइम बढ़ाया जा रहा है, फिर परीक्षा की एजेंसी नहीं मिलने की ना भैया, मतलब जो है फिर परीक्षा कराने के बाद जो है इनके रिजल्ट रुके रहेंगे, रिजल्ट आ जाएंगे फिर वो कोर्ट में चली जाएगी, फिर आपको ज्वाइनिंग देने के लिए, मतलब कुल मिलाकर ये है कि यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 5 साल तो भर्ती करने में लग जाएंगे और 5 साल बाद में जो है, खैर पुलिस विभाग में तो संविदा नहीं है, बाकी में अगर किसी दूसरी सिविल सेवा की, मतलब जो हमारी सिविल पद हैं उनकी अगर बात करें तो वहाँ पर तो संविदा करते जा रही हैं, ठीक है। यूपी में मतलब पुलिस प्रशासन को छोड़कर जो बड़े पद हैं उनको छोड़कर जो आपके नॉर्मल वैकेंसी हैं लेखपाल वगैरह की उनमें तो ये संविदा करने जा रहे हैं। तो 5 साल में तो इन्होंने परीक्षा पूरी कराई, भर्ती करेंगे और 5 साल बाद में फिर संविदा पर जो आपको लगा देंगे, तो इस तरह से टाइम ही बर्बाद कर रहे हैं। देखिए भाई आपका क्या कहना है इस बारे में, आप अपना जो प्रस्ताव बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपडेट तक के लिए धन्यवाद।